गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर 4. नाउ वी हैव टू स्टडी सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. दिस इज चैप्टर 4. स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ कैन वी सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सॉर्टिंग मीन्स अलग करना, उसे अलग अलग ग्रुप में रखना. यानी बहुत तरह की चीज़ें हैं और उसको अलग अलग ग्रुप में रखना. एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे राइस जो होता है, चावल पकाने से पहले उसको क्या किया जाता है, उसमें उसको भी सॉर्टिंग की जाती है. कैसे? तो उसमें क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे पीबल्स वगैरह होते हैं, तो उसको हैंड पिकिंग के द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है. किया जाता है ना. तो एक तरह से ये भी क्या हुआ कि शॉर्टिंग करना हुआ, कि राइस को अलग कर दिए और पीबल्स को अलग कर दिए. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द शॉर्टिंग मटेरियल्स. यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में उनके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उस क्या वो जिस मटेरियल से बने हैं, इसके बेसिस पे उन्हें अलग अलग भागों में बांटना, रखना, यही क्या है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑब्जेक्ट अराउंड अस कहे तो ऑल द थिंग्स दैट आर सराउंडेड अस, एंड यू ऑल्सो ऑल द थिंग्स दैट आर सराउंडेड अस. यानी जो हमारे ऑल द थिंग्स सराउंडेड आर कॉल द आवर इन्वायरमेंट, बट ऑब्जेक्ट अराउंड अस यानी हमारे आसपास की सभी वस्तुएँ. जिससे क्या, हमारे आसपास बहुत तरह की वस्तुएँ हैं. अभी आप घर पे हो तो तरह तरह के घर में क्या है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं. आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेड है, चेयर है, टेबल है, स्टेशनरी थिंग्स हैं. किचन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, ऑयल है, स्पाइसेस है, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं. इसके अलावा क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस है कि नहीं. तो इस तरह से हमारे ओर क्या है, जो चारों ओर अलग बहुत तरह की चीज़ें हैं. आप स्कूल जाते हो तो आई होप आप मोस्ट आप में से बहुत से स्टूडेंट बस से स्कूल जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट साइकिल से जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट पैदल जाते हैं. तो आप स्कूल जाते हो तब भी आप देखते हो कि रास्ते में तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, जैसे तरह तरह की व्हीकल्स दिखती हैं, तरह तरह के शॉप दिखते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन द डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स. ओके स्टूडेंट, तो यही क्या है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की, हमारे चारों ओर की वस्तुएं. तो आपको इतना पता चल गया कि आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे चारों ओर अलग अलग तरह की बहुत सारी वस्तुएं. नाउ वी हैव टू डू एक्टिविटी 1. इन एक्टिविटी 1 यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट मटेरियल्स बाय इन योर एनवायरनमेंट एंड अराउंड यू. यानी आपके आसपास या आपके एनवायरनमेंट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को आपको क्या करना है, पिक करना है, लेना है. ओके, उसके बाद से उसे क्या करना है, उस मटेरियल्स को मैं उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स दैट बाय विच दे मेड, वो किस चीज़ से बने हैं, इस बेसिस पे क्या करना है, उसको डिवाइड करना है. तो इन टेबल 4.1 में टेबल जो है ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, यानी ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स जिनसे वो बने हैं. तो नाउ ऑब्जेक्ट प्लेट, मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स. प्लेट किस किस चीज बनता है, ये चीज आपको लिखना है इसमें. तो प्लेट जो है स्टील का होता है, ग्लास का होता है, प्लास्टिक्स का होता है. ठीक है, उसके अलावा क्या है, आप पेन है तो प्लास्टिक्स का होता है, मेटल का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे फर्नीचर, तो आप लिखोगे फर्नीचर स्पेशली किसके बनते हैं, वुड के बनते हैं. और आप ऐसी चीज़ों को इसमें लें, फर्नीचर नहीं लिखना है आपको, ऐसी प्लास्टिक के भी फर्नीचर आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको.
जनरली आपको इसमें ऐसी चीज़ों को लिखना है जो अलग अलग के तरह के मटेरियल से जिन्हें बनाया जाता है या जो बन सकते हैं. ओके, तो यू हैव टू राइट डाउन 10 सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स आर मेड ऑफ. इस तरह से 10 चीज़ों का नाम लिखना है आपको और इसके टेबल को कंप्लीट करना है और इसे फेयर में लिखना है. ओके, नाउ वी हैव टू डू एक्टिविटी 2. यहाँ हमको फिर एक और एक्टिविटी करना है. इन एक्टिविटी 2 यू ऑल्सो कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स और यू ऑल्सो सी डिफरेंट थिंग्स एंड करना क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, यानी एक ही तरह के मटेरियल से बने डिफरेंट थिंग्स को लेना है. यहाँ क्या था कि ऑब्जेक्ट को लेना है और वो किस किस मटेरियल से बन सकते हैं या किस किस मटेरियल के प्लेट हो सकते हैं या जो भी चीज़ें आप लिए हो. और इन टेबल 4.2 यू हैव टू कलेक्ट मटेरियल्स, यू हैव टू कलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, यानी एक ही मटेरियल्स से बने, यानी वुड से बने ही चीज़ों को इसमें. जैसे वुड लिखे तो केवल इधर आप जो लिखोगे उसमें केवल वुड से बनी ही चीज़ें, यानी जिन चीज़ों को हम वुड से बना सकते हैं. ओके, तो जैसे चेयर, टेबल, प्लाव, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील, बुलक कार्ट का व्हील. ओके, तो ऐसे आपको इसमें भी 10 मटेरियल्स लिखना है और ऑब्जेक्ट्स मेड बाय देम. ओके, ठीक, इसका क्या था, अपोजिट था. इसमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना था, मटेरियल्स बाद में लिखना था. यहाँ ऑब्जेक्ट पहले, मटेरियल्स पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट सेकेंड कॉलम में लिखना है. तो स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीट नाउ योर होमवर्क इज फॉर टुडे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द मॉर्निंग योर होमवर्क फॉर टुडे इज डू कंप्लीट टेबल 4.1 एंड 4.2. फर्स्टली यू कंप्लीट टेबल इन योर रफ नोटबुक एंड यू शेयर मी एंड आफ्टर इट यू कैन राइट डाउन इट ऑन योर फेयर. यू हैव टू राइट डाउन फेयर, इट इज़ नेसेसरी. जो भी टेबल है बुक में, जितने चैप्टर में, तो आपको नेसेसरी रूप से उसे क्या करना है, अपने फेयर के नोटबुक में लिखना है. आप अगर आज चाहें तो उसको पहले, आपसे अगर मिस्टेक ज़्यादा होता है तो उसको पहले रफ पे करें फिर उसको फेयर पे लिखें ताकि मिस्टेक कम हो फेयर पे. और नहीं तो अगर आप उसको चाहें तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फेयर पे भी बना सकते हो. ओके स्टूडेंट, तो नाउ यू कीप स्टडी एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक. ओके स्टूडेंट.